So, good morning everyone here. How are you? कैसे हो आप सब लोग? एंड सबसे पहले तो ज्वाइन कर लो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ न्यू टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसका नाम है वेल्डिंग। So, I hope we have discussed another topic, casting। तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं डिटेल्स में। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपको उस पर थोड़ा सा मेहनत करनी है, ठीक है? सो नाउ द थिंग इज कि नंबर वन, देर आर फ्यू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर वन, यू नीड टू बी रेगुलर। अगर आप रेगुलरली क्लासेस लगाएंगे तभी इसका फायदा है, अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डेड सेशन सुन रहे हैं तो फिर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? जो है वो मजा नहीं आता, ठीक है? सो यू नीड टू बी रेगुलर, यू नीड टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिलेबस आपका कवर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि भाई सिलेबस कितना रह गया, कब खत्म होगा, क्या। ये सारे क्वेश्चंस और थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। जो यहाँ खड़ा है उसको पता है कि उसने क्या कराना है, ठीक है? सो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है, ये जो जो आपका कवर हो गया है उसको इतने अच्छे तरीके से करिए कि भाई पेपर जब आए आपके थॉट्स इतने क्लियर हों कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई हुई है कि आपने पहले अपने नोट्स देखने हैं और कुछ नहीं देखना, ठीक है? उनको अच्छे से पढ़िए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है? बिल्कुल प्रसाइज नोट्स बनाइए कि जब पेपर आए, ठीक है, तो आप उस टाइम पर जो है क्या नाम, आप क्लैरिटी से जो है क्वेश्चंस कर सके, ठीक है? ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप ग्रुप बना के स्टडी करिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है, कि अकेले बंदा जो है वो बात नहीं बनती है। ग्रुप्स में चीजें अच्छे से डिस्कस होती हैं और उस ग्रुप्स में हेल्दी डिस्कशन हो तो, ठीक है? और यही सब चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। ये सब करने के बाद अपने आप भी, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करे बिना तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए आज हम फ्रेश टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि बी सिंसियर, ठीक है? और चीजों को आराम से समझिए, जो रेलेवेंट डाउट्स है वही पूछिए, ठीक है? और अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है? बिकॉज मैं जिनके साथ कनेक्ट होता हूँ तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो करें, ठीक है? और नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम वेल्डिंग से शुरुआत करेंगे, ठीक है? वेल्डिंग से शुरुआत करते हैं, तो टॉपिक का नाम चलो लिखते हैं पहले। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेल्डिंग। ओके, सो द थिंग इज कि चीजें यहाँ पे सारी कवर हो जाएंगी, छोटी छोटी। जैसे भी कास्टिंग कवर हुआ, फिर वेल्डिंग हो जाएगा, फिर फॉर्मिंग हो जाएगा, मशीनिंग हो जाएगा, इतने में बस आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो वेल्डिंग से शुरुआत करनी है हमने, और आज का जो सेशन रहेगा वेल्डिंग का, उसमें एक तो सारी बेसिक्स रहेंगे और एक दो चीजें वहां रहेंगी, क्लासिफिकेशन वेल्डिंग की क्या होती है, सारी काफी सारी चीजों की, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वो, डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? कि वेल्डिंग एक तरीके का जो है, तीन चार वेल्डिंग दे देगा, ठीक है? बोल देगा कि भाई बता दो इसमें से ये वाली वेल्डिंग कौन सी है, इसमें से ये क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो वो जो टेबल रहेगा, जो मैं चार्ट अभी आपको बनवाऊंगा थोड़ी देर में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वेल्डिंग की कुछ टर्म्स वगैरह देखेंगे, तो उसके बाद जो है आज आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा प्रिंसिपल वगैरह देखेंगे सेकेंड हाफ में। सो वेल्डिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं
इसमें ना जैसे हमने कास्टिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की थी लास्ट में, पहले सारा कास्टिंग जो है बेसिक्स करने के बाद हम वी जस्ट जंप टू द सम प्रोसेसेस ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस जो स्पेशल मैंने आपको बताई थी, इसमें भी वैसे ही हम चलेंगे, धीरे धीरे चलते हुए टर्म्स को लेंगे, क्या है क्या नहीं, प्रोसेसेस देखेंगे सारे, फिर स्पेशल वेल्डिंग्स भी आएंगी और इसमें जो बीच में न्यूमेरिकल वगैरह एक दो बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो मेरा प्रोसेस रहेगा दैट विल बी सेम, बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, आई विल बी डीलिंग विद ऑल द बेसिक्स ऑफ द वेल्डिंग एंड फिर हम धीरे धीरे उसके प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, ठीक है। कोई हरी नहीं है, नया टॉपिक शुरू होता तब तो वैसे भी थोड़ा सा आराम से चलना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट गिव योर 100%, ओके। सो जस्ट स्टार्ट, वी आर स्टार्टिंग विद द वेल्डिंग। सो जैसे कि सबसे पहले तो ये देखो कि वेल्डिंग क्या है, ठीक है। वेल्डिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग। मेरे को कोई भी दो मटेरियल्स को अगर ज्वाइन करना है, लेट अस सपोज दिस आई हैव एनी टू मटेरियल्स, लेट अस सपोज दीज आर द टू मटेरियल्स एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, मेरे को इनको आपस में ज्वाइन करना है, तो मैं वेल्डिंग का यूज कर सकता हूं। इट इज वन ऑफ द टेक्निक, ठीक है, कि भी मेरे को इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन जो मैं जो दिन जिन दो मटेरियल्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई जिनको मैंने ज्वाइन करना है उनकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए या वो एक तरीके के मटेरियल्स होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। आपने ज्वाइन करना है, वो ज्वाइन किस तरीके से करना है, किस ज्वाइंट में करना है, वो तो कहानी अलग है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट इफ यू टॉक अबाउट कि भी वेल्डिंग है क्या, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, कि आपने किसी दो मटेरियल्स को ज्वाइन करना है, दैट बोथ द मटेरियल्स कैन बी सिमिलर मे बी डिसिमिलर, ठीक है, और कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारा सिर्फ काम है उनको ज्वाइन करना। अब जब हमने उनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो करेंगे कुछ ना कुछ तो लगाएंगे। अब हम इसमें दो चीजों का यूज करते हैं, इधर वील ज्वाइन दोज टू मेटल्स और मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है, या तो हम उनको दोनों को मेल्ट करेंगे और आपस में वो फ्यूज होंगे, हीट देंगे, जो दोनों वर्क पीसेस हैं या दोनों जो मटेरियल हैं वो मेल्ट करेंगे और हीट के कारण ज्वाइन होंगे, या फिर हम प्रेशर लगा के ज्वाइन करते हैं। सो कई बार दोनों भी एक साथ भी लगते हैं, कई बार सिंगल भी लगता है। सो वेल्डिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो वेल्डिंग इज नथिंग जब इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ ईदर विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर और बोथ, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द वेल्डिंग, ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग, वी विल राइट ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ थिंग, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, मैं पहले यहां पर फिर से वेल्डिंग लिख देता हूं। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग, सो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इट्स अ प्रोसेस ऑफ इट्स अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल कंपोनेंट्स, या तो सेम लिख लो या सिमिलर लिख लो, ठीक है, और डिफरेंट मटेरियल, सेम और, ठीक है, रनिंग सेम और डिफरेंट मटेरियल कंपोनेंट्स, विल मूव स्टेप बाय स्टेप, एक एक डेफिनेशन लिखेंगे, समझेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है, आप साथ साथ लिखिए भी सही, सो दैट कि आपका कनेक्शन बना रहे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट इज, अब ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द अनदर पॉइंट इज, ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग भैया किसी ना किसी तरीके से तो होगी, विद द हेल्प ऑफ ईदर विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और हीट,
ज्वाइनिंग इज डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर ठीक है. सो हेयर द टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर. ओके, मैं या तो हीट का यूज करूंगा, मेरे पास दो मेटल्स हैं, दो मटेरियल्स हैं. मैंने आपको पहले बताया कि दो मटेरियल्स मे बी ऑफ सिमिलर टाइप, मे बी ऑफ डिसिमिलर टाइप, कुछ किसी भी तरीके के हो सकते हैं. हमें हमारा काम है उन दोनों मटेरियल को वेल्ड करना, ठीक है, उन दोनों मटेरियल को ज्वाइन करना बेसिकली. अब ज्वाइन करना है तो उसमें ज्वाइनिंग में भैया हीट भी इस्तेमाल होगी और प्रेशर भी होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, कि मेल्ट करेंगे और किसी ना किसी बीच में एक फिलर, एक वर्ड यूज होता है फिलर मटेरियल, या कोई और चीज हम उसके अंदर डालते रहेंगे, ठीक है, और वेल्डिंग होती रहेगी. आप सब लोगों ने वेल्डिंग देखी है, रोड साइड पे कई बार जाते हैं तो हम वेल्डर्स लगे होते हैं वेल्डिंग करने, शील्ड लगाई होती है और एक एक बेसिकली चमक सी जो है वो आ रही होती है, हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या चल रहा है. दैट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग ओनली, ठीक है. सो वेल्डिंग करना अपने आप में कोई एक वो वाली बात नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए होती. मतलब इस तरीके से कहूं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी एक अच्छा वेल्डर हो सकता है, या जिसने कोई पढ़ाई नहीं भी की हुई जो रोड साइड पे बैठे होते हैं वो भी ऑपरेटर जो होते हैं वो भी अच्छी वेल्डिंग कर लेते हैं. वो बस आर्ट है और एक्सपीरियंस है जो आ जाती है, ठीक है, एक बार सीखने के बाद, ठीक है. तो वेल्डिंग है क्या? वेल्डिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एनी सिमिलर और डिसिमिलर मेटल विद और विद विद एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर और बोथ, ठीक है. सो ये आप डेफिनेशन लिखिए कि वेल्डिंग होती क्या है, उसके बाद वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. अब कुछ ना कुछ अगर प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कास्टिंग शुरू किया था तो मैंने आपको कास्टिंग की डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है. इसका आपको मैं बाद में वीडियो भी दिखाऊंगा प्रिंसिपल की, हर एक चीजें कवर होंगी स्टेप बाय स्टेप. सो वेल्डिंग, जैसे हमने कास्टिंग शुरू किया था और हमने कास्टिंग की डेफिनेशन लिखने के बाद उसके एडवांटेजेस लिखी थी कि भी क्या कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई ना कोई उसके फायदे तो होंगे तभी हम वो प्रोसेस कर रहे हैं, अदरवाइज वो हम क्यों करेंगे, या उसके कुछ नुकसान तो होंगे, ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू कि भी अगर मैं वेल्डिंग कर रहा हूं तो मुझे उसके क्या फायदे मिलते हैं, मैं वेल्डिंग क्यों करता हूँ, व्हाट इज द नीड ऑफ वेल्डिंग और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, ठीक है. तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे पूछ भी लेता है कई बार. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज कि भाई एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग. एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग कि क्या एडवांटेजेस हैं वेल्डिंग के. So there are few advantages of welding. We'll start one by one. Number one. अब सबसे important चीज तो ये है कि भैया मैं इसमें किसी भी material को join कर सकता हूँ. तो पहली advantage तो मेरे को ये मिलती है कि भाई any material can be joined. मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो material है क्या. अब वो join कैसे होगा, कितनी उसकी strength होगी, अच्छा join होगा, बुरा होगा, वो तो story different है, ठीक है ना, कि किसकी strength अच्छी होगी. The point is I can join any material, ठीक है, किसी भी तरीके की shape मैं बना सकता हूँ. मान लो मेरे पास, let us suppose I want to, मेरे पास दो rods हैं, I have two rods, ठीक है. मान लो मेरे पास ये दो bar हैं या rods हैं, मेरे को joint बनाना है, ठीक है. तो मान लो मेरे को L joint बनाना है, मैं L joint बना सकता हूँ. मेरे को T बनाना है, मैं T joint बना सकता हूँ. मेरे को कुछ और बनाना है, मैं कुछ और बना सकता हूँ. So it's up to me कि what kind of joint or what sort of joint I want to make. So the another advantage of this is कि any shape can be made. Can be made. ठीक है. थर्ड एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग इज, ठीक है, कि भाई हमें कोई भी लार्ज कंपोनेंट बनाना है या स्ट्रक्चर बनाना है, मैं तब भी बना सकता हूं. लार्ज कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर कैन बी मेड,
कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर कैन बी मेड ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई लार्ज कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर कैन बी मेड। अब होता क्या है अगर आप देखेंगे, मान लो आपके पास आपने कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है या कोई फ्रेम बनाना है। हम देखते हैं कई बारी बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स बन रहे होते हैं या कोई स्ट्रक्चर बन रहा होता है ठीक है। अब उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रॉड्स यूज हो रही हैं या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस यूज हो रहे हैं। तो वो हमारे पास जब हम उनको डिसमेंटल करके लाते हैं या अभी तक हमने उनको ज्वाइन नहीं किया, तो वो तो ऐसे पाइपों की तरह पड़े होते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर्स की तरह पड़े हैं। अब मैं उनको जोड़ जोड़ के एक पूरा स्ट्रक्चर बना सकता हूं या उनको वेल्ड करके एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं। बहुत सारी जगह पे फ्रेम्स बनते हुए देखे तो है हम लोगों ने कि भाई किसी चीज का फ्रेम बनाना है, उसके ऊपर चाहे वो लकड़ी लगानी हो, कुछ और करना हो, कुछ टेबल बनाना हो, कुछ और करना हो, वेल्डिंग करते नहीं है हम, ज्वाइंट्स बनाते हैं। तो कई बार हमारा इवन कुछ चीजों का ज्वाइंट टूट भी जाता है तो हम चले जाते हैं यार इसको वेल्ड कर दे, है ना। सो देर इज ए फ्लेक्सीबिलिटी कि भाई मैं कुछ भी ज्वाइन करवा सकता हूँ, मैं लार्ज कंपोनेंट और स्ट्रक्चर को भी ज्वाइन करा सकता हूँ। सो इट इज अप टू अस कि व्हाट वी वांट एक्चुअली ठीक है। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं वेल्डिंग की, तो वो मैं पता होनी चाहिए। आज बेसिक्स कर रहे हैं अभी, देखो ये कईयों को लग रहा होगा यार ये क्या कर रहे हैं हम ठीक है, लेकिन अगर मेरे को स्टार्ट देनी है किसी चीज की तो मेरे को तो उसका बेसिक बताना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है, अदरवाइज वो फ्लो नहीं आएगा ठीक है। सो मूविंग अहेड अगले पेज पे अगर हम चले ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस और हैं ठीक है। अनदर एडवांटेजेस कि इसमें भाई जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई इसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल्स यहां पर ये नहीं है कि स्पेशल स्किल्स का मतलब ये नहीं है नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं कई बारी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उस जो बंदे ने वेल्डिंग करनी है उसको उसको वो वेल्डिंग टॉर्च या होल्डर या इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग मशीन या ट्रांसफार्मर के बारे में पता ही नहीं है। पता हो इतना एक तो पता होगा कि एटलीस्ट वो उसको चला सके या उसको उसकी वो उसका एक एक्सपर्ट है। स्पेशल स्किल का मतलब ये नहीं है कि भाई अगर किसी बंदे को वेल्डिंग सीखनी है या कुछ और करना है तो उसको ग्रेजुएशन वेल्डिंग इंजीनियर के फॉर्म में करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे, ये है यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई उसको वेल्डिंग के बारे में पता ही कुछ ना हो, नहीं वो स्किल तो चाहिए ही होगी तभी वो वेल्डिंग कर पाएगा। बट द पॉइंट हियर इज देयर नीड नॉट टू बी यू नीड नॉट टू हैव अ पर्टिकुलर डिग्री इन वेल्डिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वेल्डिंग, मेरा ये मतलब था। एनी ऑपरेटर अगर आप देखेंगे जब हम कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं या रोड साइड पे होते हैं तो उनके पास कौन सी डिग्रियां होती है यार, वो बहुत तगड़ी वेल्डिंग कर लेते हैं, हमें तो उसका वेल्डिंग का डब्ल्यू भी नहीं आता होता और वो तो जॉइंट बना के देते हैं इतने गजब के ठीक है। तो उनके पास कोई ऐसा कोई स्पेशल स्किल्स या डिग्रीज नहीं है ठीक है, बट वो उनकी क्या प्रैक्टिस है और एक्सपीरियंस है। ओके सरस्वती मैं नीचे लिख देता हूं मैंने इसीलिए ठीक है। ठीक है नो स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए इसके लिए ठीक है। सो अनदर एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग इज कि भाई जो हमारे वेल्डिंग से ज्वाइंट बनते हैं ना ठीक है, वो लीक प्रूफ ज्वाइंट बनते हैं। लीक प्रूफ का मतलब होता है ऐसा नहीं है, मान लो कि मैंने कोई ड्रम या कोई छोटा ऑयल ड्रम लिया है कुछ और लिया, आपने देखा होगा हम बॉयलर्स की वेल्डिंग करते हैं, शेल्स को वेल्ड करते हैं या किसी और चीज को वेल्ड करते हैं, तो एक बार अगर वेल्ड ज्वाइंट बन जाता है ना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो उसमें अगर मान लो वो ऑयल का टैंकर है या किसी और चीज का टैंकर है तो उसमें अगर मैं ऑयल डाल रहा हूं तो वो फिर वहां से लीक नहीं करेगा,
डेफिनेटली अगर कोई दिक्कत आ गई तब तो लीक करेगा ही, बट एल्स वाइज अगर ज्वाइंट अच्छा बनाया, सब कुछ सही है, वेल्डिंग बहुत अच्छी हुई है, इवन मशीन से वेल्डिंग होती है बहुत अच्छी थी, मैं बोल रहा हूँ आपको, नॉर्मली रोड साइड वेल्डिंग बहुत तरीके की होती है, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो कई जगह बहुत स्पेशल तरीके की वेल्डिंग भी होती है, ठीक है। तो जैसे स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस से ऐसे ही स्पेशल वेल्डिंग भी होती है। अगर आपको रेलवे ट्रैक्स के बारे में पता हो तो वो थर्मिट वेल्डिंग होती है और होती है जो हम बनाते हैं, तो वो तो वैसे भी इतनी क्रिटिकल जगहें हैं, जो पटरियां बनी होती हैं रेल की है, वो भी तो भी वेल्डिंग ही होती है उन सब में भी, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट जो होते हैं लीक प्रूफ और हाई स्ट्रेंथ ज्वाइंट बनते हैं, ठीक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो लीक प्रूफ एंड हाई स्ट्रेंथ ज्वाइंट कैन बी मेड, लीक प्रूफ एंड हाई स्ट्रेंथ ज्वाइंट ज्वाइंट्स कैन बी मेड। सो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ बेसिकली आई वुड से वेल्डिंग, कि जिसमें हम जो ज्वाइंट्स हम बना रहे हैं वो हमारे लीक प्रूफ ज्वाइंट्स बनते हैं, ठीक है, और अपने जो है स्ट्रेंथ उनकी जो होती है बड़ी अच्छी होती है। सो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं वेल्डिंग के जो थोड़े बहुत हमें पता होने चाहिए कि भाई वेल्डिंग है, कोई ना कोई फायदा तो होगा तभी वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो कोई ना कोई फायदे हैं तो कोई ना कोई तो नुकसान भी होते हैं किसी भी चीज के, ठीक है। सो अनदर टॉपिक इज कि मैं उसके बारे में लिखूं, सो मैं राइट द हेडिंग कि भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, कि वेल्डिंग के अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान तो होंगे, वो क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। डोंट वरी, वील कवर ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ थिंग, ठीक है। अभी इसके बाद फ्लो अच्छा ही आना है, वैसे तो अभी भी ठीक ही है, बट ये थोड़ा बेसिक्स बताने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि भाई एक तो अगर आपने वेल्डिंग करनी है ना, आपको वेल्डिंग अगर करनी है तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि आपको पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। आपके पास अगर पावर नहीं है, पीछे से पावर नहीं आ रही या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। आप कहोगे क्यों सर, जब तक आपके पास पावर सप्लाई नहीं है तो आपका जो ट्रांसफार्मर जो साथ में जुड़ा हुआ है या छोटा जो वेल्डिंग मशीन है या कुछ और है जिससे आपने वेल्ड करनी है उस पर पावर ही नहीं आएगी तो आप वेल्डिंग करोगे क्या। सो ये बड़ी इसकी वो है कि भाई पावर सप्लाई होनी बड़ी जरूरी है, पावर सप्लाई इज नीडेड इन जनरल, पावर सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए यार, इज नीडेड इन जनरल, जनरली हमें पावर सप्लाई तो चाहिए ही होगी, बिना उसके मैं अपना जो है यूनिट चलाऊंगा कैसे। द अनदर डिसएडवांटेज है कि भैया जहां बात आई थी पावर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी की, अब अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी स्टेट वेरी करती है वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी वेरी करते रहते हैं आपके। हम लोग कहते हैं कि भाई इधर पंजाब में या हरियाणा में या कहीं और या जहां भी है, हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट जो है एक यूनिट के कितने रुपए हैं, तो हर जगह यूनिट के पैसे भी अलग अलग हैं, कमर्शियल के बिल अलग आते हैं, उसके बिल अलग आते हैं, और जैसे ही स्टेट बदलती है तो टैक्सेस बदल जाते हैं, तो कॉस्ट यूनिट के पैसे भी बदल जाते हैं। तो भैया जहां बात आ जाएगी भैया पावर सप्लाई की, तो वो प्रोसेस हमेशा कॉस्टली होने लग जाएगा, तो कॉस्टली प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि अब मैंने यहाँ पे कॉस्टली लिख दिया तो आपको कि सर वो वेल्डिंग कराने जाए वो तो 2 मिनट लेता है और हमें तो पैसे कुछ नहीं लेता, ऐसा नहीं है। ये एक इन जनरल टोटैलिटी में स्टेटमेंट बोली जाती है कि अगर मान लो मेरे को लार्ज अमाउंट में कोई वेल्डिंग करनी है कहीं पे और मेरे पास पावर सप्लाई नहीं है, तो पहली बात तो मैं वेल्डिंग कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरी बात, अगर मेरे को कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर या कुछ और बनाना है तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर चाहिए मुझे, और जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी दिन रात काम चलेगा काफी लंबे टाइम तक जो बिल्डिंग्स बनती हैं और बनती हैं, तो वहां पर कॉस्ट एक मेजर फैक्टर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब अनदर इंपॉर्टेंट चीज इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि भैया ऐसा नहीं है कि आपके पास, मैं ये पॉइंट लिख लो फिर समझाता हूं,
ठीक है। अब इसके लिए स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज का मतलब है कि इसके बिना मैं ये चीज नहीं चला पाऊंगा, इसका मैं ये मतलब है, ठीक है। पावर सप्लाई के बिना मेरा सिस्टम नहीं चलेगा। कॉस्ट, अगर मान लो किसी के पास पैसे ही नहीं है या उसको उस फ्रेम को वो ही नहीं है, तो वो कॉस्ट वाला फैक्टर कैसे वो बियर करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब स्पेशल टूल का मतलब ये है यहाँ पे कि मेरे पास, अगर मेरे को वेल्डिंग करनी है तो वेल्डिंग का एक अलग सेटअप है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठाऊं और वेल्डिंग करना शुरू कर दूं, नहीं। मेरे को वेल्डिंग टॉर्च की रिक्वायरमेंट है, मेरे को इलेक्ट्रोड चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक वो जो वेल्डिंग मशीन है वो चाहिए, मेरे को और सेटअप चाहिए, ठीक है। सो मेरे को वो शील्ड चाहिए, कुछ और चाहिए, तो पूरे के पूरे इसके टूल्स जो है वो स्पेशली होनी चाहिए, एक पूरी किट होनी चाहिए। अब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेट अस सपोज मेरे पास क्रिकेट खेलने जाना है, मेरे पास ना बैट है, ना बॉल है, ना विकेट्स है, ना कुछ और है, तो मैं ग्राउंड में कि क्या करूंगा। आई नीड दैट पर्टिकुलर टूल किट या एनी पर्टिकुलर किट टू डू द प्रोसेस। सो वो तो अब इसके स्पेशल टूल्स है, क्योंकि वो सारी चीजें वेल्डिंग के जो टूल्स है वो वेल्डिंग के ही हैं, ठीक है। तो वो नहीं चल सकता है इसके बिना, ठीक है। तो स्पेशल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे जो इसका डिसएडवांटेज है वो है हेल्थ के हजार्ड, कि भैया ये हेल्थ में बड़ा कई बारी जो है Hazardous, HAZARDOUS, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार हम कहते हैं कि भी जो वेल्डिंग है या कोई और चीज है उसको हम नेक डाई से नहीं देखते, वो खुद बंदा जो है वो टॉर्च लगा के उसको देखता है, सॉरी शील्ड लगा के देखता है। क्यों? क्योंकि आंखें खराब हो जाती हैं या कोई और उसके नुकसान है। सो हेल्थ पे इसका बड़ा असर पड़ता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मोस्ट ऑफली बच्चों को, आप लोगों को पता भी होंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कोई बहुत समझने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन डिस्कशन थी ये जरूरी, ठीक है, कि भाई कोई चीज कर रहे हैं तो उसको क्या फायदा क्या नुकसान है। सो आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, फिर आगे चले। ओके, सो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सो द अनदर थिंग इज कि वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, इसी में ही अगर हल्का सा एक और, सो वेल्डिंग का एक पॉइंट आपको, जो पॉइंट्स एक दो और लिखवाने हैं, सम पॉइंट्स इसी के ही। अब वो पॉइंट ये है नंबर वन पॉइंट इज कि जो मेरा वेल्डिंग है ना, वो मेरा एक सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। जो अपना ऐसा कोई टेक्निकल डिसएडवांटेज नहीं है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या कोई टेक्निकल डिसएडवांटेज है, नहीं, ये बस वैसे ही डिसएडवांटेज हैं जो नॉर्मली होती हैं। धीरज का क्वेश्चन था, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज कि मैं जो डिस्कस कर रहा हूं आपसे, जो वेल्डिंग है आपकी, वो एक सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। आप कभी भी देखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास सबसे पहला प्रोसेस वेल्डिंग आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आपके पास मान लो ये दो रॉड्स नहीं है या कोई और चीज नहीं है, जो जो दो मटेरियल्स या बार्स या रॉड्स या फ्रेम आपने वेल्ड करने हैं, जब तक वो आपके पास आएंगे नहीं, आप वेल्ड करोगे किसको? और वो जब आपके पास बन के आए हैं तो वो किसी ना किसी प्रोसेस से जरूर बन के आए होंगे। मान लो कास्टिंग है, कास्टिंग सबसे पहला प्रोसेस है। हम इतने टाइम से कास्टिंग पढ़ते आ रहे हैं, किसी चीज को कास्ट करना है, कोई मटेरियल बनाना है, कास्टिंग से ऑब्जेक्ट जब तक निकालेंगे नहीं, मान लो एक प्रोसेस, एक चेन चल रही है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मान लो आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर रिमोट, ठीक है। सो मैं, मेरे पास अगर ये रिमोट निकल के ही नहीं आएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये रिमोट निकल के ही नहीं आएगा तो मैं वेल्ड क्या करूंगा? कोई दो अगर प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं। सो मान लो मैंने किसी कास्टिंग प्रोसेस से, या कोई मेरे पास टॉय पड़ा है, कुछ और भी पड़ा है, मेटल का कोई पार्ट पड़ा है, वो मैंने कास्ट करके निकाला,
ठीक है, परमानेंट मोल्डिंग से या कास्टिंग से मैंने निकाला, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, कास्टिंग। अब मान लो उसके कुछ मेरे को उसकी थोड़ी सरफेस फिनिश वगैरह इंप्रूव करनी है या कुछ और करनी है, तो मैं उस पर मशीनिंग कर दूंगा। ठीक है जी, अब मेरे ऐसे तीन चार पार्ट्स हो गए मेटल के, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कोई स्ट्रक्चर बना लूं, तो मैं फिर उसको करूंगा वेल्डिंग। सो शुरुआती प्रोसेस कभी भी जो है इनिशियल प्रोसेस वेल्डिंग नहीं होता, सो इट इज ऑलवेज अ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, सो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है इट इज ए वेल्डिंग जो है हमेशा इट इज अ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वेल्डिंग इज अ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, सो ये भी एक पॉइंट है जो पता होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, सो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये जितनी क्लैरिटी मुझे अपनी बीटेक के बाद आके मिली है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी बीटेक में चीजें पढ़ी नहीं है या कुछ और नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, सो यू बेसिकली लुक द थिंग्स इन एंटायरली डिफरेंट वे। आपको जो टीचर समझा रहा है उसका समझाने का तरीका, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी और कुछ और चीजों की क्लैरिटी, वो कभी कॉलेज में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको उस तरीके के टीचर मिल ही नहीं सकते, बिकॉज वो स्टैंडर्ड सेट नहीं है वहां पे। ठीक है, उन्होंने आना अपना लेक्चर लेना है, लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो ठीक है, उनको अपना सिस्टम सेट है उनका, या जो भी एक्स वाई जेड है। मैं उनको वो नहीं कर रहा, गलत नहीं ठहरा रहा, बट स्टूडेंट का लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर उनको आके बाद में दिक्कतें होती हैं। सो इसीलिए मैं आपको बड़ी अच्छी एक एक पॉइंट इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप आगे डिग्री वगैरह करें कुछ और करें, तो ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की चीजें मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं आपको सिलेबस कवर कराता हूँ उसका भी लेवल अच्छा होता है, और जो मेरा तरीका है वो भी एंटायरली डिफरेंट है। सो ट्राई किया कीजिए कि इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भैया ये एक सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, वेल्डिंग। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई आपको जब मैंने कास्टिंग शुरू कराई थी, तो मैंने शुरू कराने से पहले जब मैंने प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूं, सो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं वो जो होते हैं आपके क्या बोलते हैं अपने एडिशन प्रोसेस कहलाते हैं, और कुछ जो है वो सब्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाते हैं, मैंने आपको बोला था। अब वेल्डिंग है या कास्टिंग है, उसमें मटेरियल बेसिकली एड हो रहा है। ठीक है, वेल्डिंग है, यहाँ पर देखो मान लो मेरे को किसी दो मटेरियल को अगर वेल्ड करना है, तो मैं अगर अपना इलेक्ट्रोड लेके उसके बीच में वेल्ड अपने होल्डर से तो अपना जो इलेक्ट्रोड उसके बीच में फिल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मटेरियल उनके अंदर बेसिकली ऐड हो रहा है, उसमें वो एक एडिशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चाहे कास्टिंग ले लो, वेल्डिंग ले लो, सो ये एक अनदर पॉइंट है वेल्डिंग का कि भैया ये दिस इज एन एडिशन प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक जीरो प्रोसेस होता है, एक नेगेटिव प्रोसेस होता है और एक पॉजिटिव होता है, याद है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जीरो। तो और मशीनिंग जो है उसमें से जो है, अगर आप पूछे मेरे से मशीनिंग क्या चीज है, तो वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी पर्टिकुलर मटेरियल से, उसमें अगर मेरे को कोई पार्ट मशीन करना है, तो मैं उसमें से मटेरियल को रिमूव कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बेसिकली सब्ट्रैक्ट द मटेरियल फ्रॉम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल या जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है। सो वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है। लेकिन जो वेल्डिंग और कास्टिंग, अगर इनकी मैं बात करूं, तो वेल्डिंग की मैं बात करूं, इट इज अ वेल्डिंग इज एन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एडिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोल लो, जिसमें हम मटेरियल को ऐड करते हैं, एडिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये वेल्डिंग की ही कुछ पॉइंट्स हैं या बातें हैं या खासियत है जो हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो इसमें मटेरियल को हम जनरली ऐड करते हैं, हमारा रिमूवल का कोई गेम ही नहीं है इसमें। ओके, सो अगर मैं यहां पर साथ में ही कुछ सब्सट्रैक्शन और जीरो प्रोसेस भी लिखवाता हूं, चलो ये मैंने वैसे पहले बताया हुआ आपको, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट आ गया तो ये तो एडिशन हो गया। अगर मेरे को यहां पर सब्सट्रैक्शन प्रोसेस बताने हैं, सब्सट्रैक्शन
प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसमें जो नाम आ जाएगा उसमें आ जाएगा मशीनिंग। प्रोसेस अगर मुझे कोई बताना है तो मैं बोल सकता हूँ मशीनिंग। मशीनिंग मेरा एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें से मेरा मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है। सो दिस इज अ सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। और अगर मैं जीरो प्रोसेस की बात करूं, मैंने आपको ये भी लिखवाया हुआ है कि जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा होता है, ये भी पॉइंट दो लिख लो, काम आ जाएंगे फिर, ठीक है। अब अगर आप बात करें मेटल फॉर्मिंग की या फॉर्मिंग की, उसमें आपका जो है मटेरियल फॉर्म होता, ठीक है। वो हम मेटल फॉर्मिंग में देखेंगे क्या चीजें हैं, रोलिंग है, ओर है, वायर ड्राइंग है। उसमें ना तो मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जीरो है, ठीक है। वी आर जस्ट गिविंग अ शेप। मैं बाहर से बिलेट बना रहा हूँ या कुछ और बना रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर चीज से वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, सो वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, शेप बदल जाती है। तो ना तो मटेरियल ऐड होता है या ना सब्ट्रैक्ट होता है, तो जीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। सो अभी के लिए एज ऑफ नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यही आपके लिए दो, मतलब वैसे तो ये भी पता होनी चाहिए, बट इफ यू फोकस एंटायरली ऑन वेल्डिंग, सो इट इज अ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड अनदर इज इट इज एन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें मटेरियल को ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए अगर हम वेल्डिंग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। सो एक ये पार्ट था जिसमें हल्का सा बेसिक था कि भाई वेल्डिंग क्या है, हमने डेफिनेशन देखी, ठीक है, कि वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी मेटल्स या सिमिलर या डिसिमिलर मेटल्स का, फिर विद द हेल्प ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, ठीक है। फिर वी हैव डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, अनदर वी हैव डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग एंड फर्दर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू वेल्डिंग ओनली, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं। अब जो मैं आपसे पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ या मैं आपको टेबल जो लिखवाने वाला हूँ, वो है कि भैया क्लासिफिकेशन। इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इवन गेट के अंदर भी, या मैं अगर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं उसमें भी ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भाई एक क्वेश्चन पूछ देगा फलानी, ये जो ये वाली वेल्डिंग है ये कौन सी वेल्डिंग है, किस कैटेगरी की वेल्डिंग है, या तीन चार चॉइस दे देगा, बताओ कि इसमें से ये कौन सी वेल्डिंग नहीं है, एक्स वाई जेड, है ना। सो वो क्लासिफिकेशन अगर हमें नहीं पता होगी तो वी वी कैन नॉट आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो सीधा ही उससे बन जाता है कि भाई हमें बता दो कि ये कौन से टाइप की वेल्डिंग है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हेडिंग जो इसकी है, अभी रुक जाओ वो आएगा, मैं लिखवाता हूं। सो ये जो है, मैं तो आपको जो हेडिंग लिखवा रहा हूं वो है ज्वाइनिंग प्रोसेस, की ज्वाइनिंग कौन कौन से तरीके से होती है, एक कैटेगरी अलग है, फिर यहां वेल्डिंग की कैटेगरी है। सो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले यहां लिख देता हूं, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस कि जो हमने मटेरियल को ज्वाइन करना है वो किस तरीके के प्रोसेस है, ओके। सो वो किस किस बॉन्ड से बेसिकली ज्वाइन होते हैं, ऐसे समझ लो, या मैं ऐसे कह लूं, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड, चलो ठीक है, फाइन। सो द फर्स्ट कैटेगरी अगर मैं बात करूं आपको ज्वाइनिंग की, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग करनी कैसे है, या ज्वाइनिंग मेरा मेथड क्या है, एक मेरी होती है या मैं किस बॉन्ड से बेसिकली मटेरियल्स को ज्वाइन कर रहा हूं। एक है मेरा मैकेनिकल बॉन्डिंग, इसमें क्या आएगा मैं आपको डिस्कस करता हूं, कोई बात नहीं, ये भी आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वन इज द मैकेनिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल बॉन्डिंग की, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल, आपने ये ज्वाइंट देखे हैं, नट एंड बोल्ट ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ और चीजें भी देखी हैं, जैसे कि आपने रिवेटेड ज्वाइंट देखे हैं, ठीक है। सभी को पता है कि भाई रिवेट्स क्या चीज होती हैं, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों ने स्टेपल्स भी देखे हैं, स्टेपलर पिंस भी देखी हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या है, ये मैकेनिकल बॉन्डिंग है। मतलब कि भाई साहब आप किसी दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने बोला था कि वेल्डिंग इज अ ज्वाइनिंग, इज वन ऑफ द ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दो पार्ट्स को ज्वाइन करना तो सर वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं। एक और मैकेनिकल तरीके भी हैं, आप क्या करते हो किसी चीज दो प्लेटों को ज्वाइन करना है, नट बोल्ट लगाओ ज्वाइन कर लो, लेकिन एप्लीकेशन डिफरेंट है, ठीक है। आपने किसी शीट के अंदर जो इस तरीके की शीट्स हैं उसमें रिविट डालनी है, रिविट मारो, ठोको, काम करो। आपने अपने दो पेजेस को ज्वाइन करना है, कुछ और करना है, आप स्टेपलर की पिन लगाओ, ज्वाइन कर दो। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, वेल्डिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। वो भी आएगा, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज मैकेनिकल बॉन्डिंग, मतलब जहां पर आप दो चीजों को मैकेनिकली ज्वाइन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे एटम्स आपस में ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है, बट यू टू हैव डिफरेंट, बेसिकली ऐसा समझ लो दो पार्ट्स हैं जिसमें आप मैकेनिकल तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक नट एंड बोल्ट। आपने क्या करना है, दो प्लेट्स को लेना है, नट एंड बोल्ट से स्क्रू कर देना है, रिविट मार देनी है जी, ठीक है जी, रिविट होगी, स्टेपलर लगा देना, स्टेपल हो गया। सो दिस इज अ मैकेनिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब उसमें से भी आपको ये चीज पता है कि भाई जो आपके नट एंड बोल्ट होते हैं ये आपके टेम्परेरी ज्वाइंट में काउंट होते हैं। क्यों, मान लो मेरे को किसी चीज को डिसमेंटल करना है या डिसअसेंबल करना है, मैं क्या करता हूँ उस पर्टिकुलर चीज में, अगर नट बोल्ट लगा हुआ मैं उसको किसी भी स्क्रू, किसी भी चाबी से या किसी भी पाने से, जो हम हिंदी वर्ड यूज करते हैं, बट किसी भी उससे जो है की से हम उसको खोल सकते हैं, सो अनस्क्रू कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइंट बनते हैं, दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ टेम्परेरी ज्वाइंट, अगर मैं इसको कैटेगरी में बांटू, ठीक है, ये टेम्परेरी ज्वाइंट। लेकिन जो ये ज्वाइंट्स हैं, चाहे आप रिविट कह लो चाहे स्टेपल कह लो, ये आपके परमानेंट ज्वाइंट है। मतलब एक बार आपने रिविट मार दी जो, तो जब आपको उसको वो करना है, डिसमेंटल करना है, तो वो पार्ट कुछ ना कुछ खराब होगा, रिविट टूट के ही निकलेगी, ठीक है, ऐसे नहीं निकलती। हाँ, मार लो रिविट, मार लो, जब रिविट पूरी फिट होगी उसके अंदर, तो जब उसको करना है या तो वो रिविट टूट जाएगी या वो पार्ट वो हो जाएगा। ऐसे ही स्टेपलर पिन के साथ है, हमने स्टेपल किया एकदम पहले तो फ्रेश है, अब उसको हमें डिसमेंटल करना है, पिन अगर हम किसी चीज से, पेन से या उससे वो करेंगे, वो उतनी फ्रेश नहीं रहती है वो शीट, या वो किसी ना किसी तरीके से हम उसको खींचते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो परमानेंट ज्वाइंट है, अगर मेरे को उसको डिसमेंटल करना है तो एक ना एक चीज खराब होगी। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ज्वाइंट है तो वो ज्वाइंट टूटेगा नहीं, परमानेंट का मतलब है वो चीज डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, हम खराब हो जाएगी, हम उसको एज सच यूज नहीं कर सकते बाद में। इसमें तो क्या, मैं नट बोल्ट से चीजें खोलूं और वापस कुछ भी कर लूं, ठीक है। सो ये इसकी कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। सो ये तो चलो मैकेनिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट आ गया इसमें, ठीक है, एक सेकेंड, ओके फाइन, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। नाउ द मेन कैटेगरी ऑफ बेसिकली वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं, जो मेन हमारा फोकस है उसमें मैं बात करूंगा, इसको मैं बोलूंगा एटॉमिक बॉन्डिंग, कि भाई एटम्स के लेवल की जो बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में एटॉमिक बॉन्डिंग है, एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्यों वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग करने का मतलब क्या है कि भी मैं वेल्डिंग कर रहा हूं तो मेरे जो दो मटेरियल्स हैं या दो कोई भी चीजें हैं वो आपस में जब वेल्ड होने हैं तो ज्वाइन होंगे, तो उनके आपस में मटेरियल जो है ज्वाइन होंगे, चाहे वो हीटिंग से हो रहे हैं, किसी और से हो रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपस में उनके मॉलिक्यूल्स एटम्स फ्यूज होंगे, तभी कुछ ना कुछ वेल्डिंग होगी। सो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो ज्वाइंट्स हमेशा होते हैं ये आपको पता ही है कि भैया परमानेंट ज्वाइंट ही बनने हैं, इसमें तो कोई दोराय है ही नहीं, परमानेंट ज्वाइंट, ठीक है, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। सो नाउ दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। अब आ जाती है हमारी गेम इधर वाली साइड की, दिस इज एंटायरली डिफरेंट पिक्चर बट वन ऑफ द ज्वाइनिंग प्रोसेस। नाउ द मेन पिक्चर लाइज इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, और आई वुड से कि मैं आपको इस पर्टिकुलर कॉलम को लिखवाता ही अलग हूं, क्योंकि इसके अंदर जो जो वेल्डिंग आनी है बहुत डिटेल्स में आनी है। तो ये चार्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अलग से ड्रॉ करवाता हूं,
ठीक है, और हेडिंग दिलवाता हूं ऊपर, एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, ताकि जो आपको क्लासिफिकेशन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस चार्ट से आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है जी, अब जो है आपकी एटॉमिक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट योर एटॉमिक बॉन्डिंग, ओके, सो पहले तो इसकी मेन जो है कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, जस्ट जस्ट ए मिनट, ओके, देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये कैटेगरीज बहुत बड़ी हैं। जस्ट 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 ए मिनट यार, ओके, सो वी हैव थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, विल स्टार्ट वन बाय वन, ओके, एंड आई विल मेक यू राइट, एंड यू डेफिनेटली आर गोइंग टू एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एक क्वेश्चन तो भैया आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली इस चार्ट के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक नंबर तो आपको सीधा यहीं से बनेगा। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है अगर मैं बात करूं वेल्डिंग की, तो वो कैटेगरी आती है आपकी कि भैया एक नाम है कैटेगरी का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चीज है, ये हम जब डिस्कस करेंगे आराम से आपको सब पता चलेगा कि ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या चीज होती है। ठीक है, अगली जो कैटेगरी है उसको मैं नाम देता हूं, उसको बोलता हूं लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। यह इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, और जो लास्ट कैटेगरी है अगर मैं बात करूं, उसका जो नाम है बेसिकली, उसका नाम है आपको हम बोलते हैं अलाइड प्रोसेस। ये आपने नाम सुना होगा, अलाइड प्रोसेस। अब इसमें आता क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये डेफिनेटली आपके पेपर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप खुद कहेंगे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई अब ये क्या है, ये भी कैटेगरी है, ये चार्ट जो है टेबल बन रहा है इसमें से वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कैसे बनता है एक नंबर का, वो कह देगा यहाँ चार वेल्डिंग लिख के दे देगा। ठीक है, या कह देगा कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो चार ऑप्शन में से एक नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, या इन चार ऑप्शन में से कह देगा कि भाई ये चार ऑप्शन किस वेल्डिंग को स्टेट करते हैं या किसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो वो अगर ये कैटेगरी नहीं पता होगी तो भैया नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी जो है सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, देखो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या है मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अगर पहले इसको बता देता हूं आपको, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग मींस फ्यूजन वेल्डिंग, नाम ही फ्यूजन है कि दो मेरे पास मटेरियल इस तरीके से हैं, जब मैं उनको वेल्ड कर रहा हूं तो बेसिकली ये आपस में खुद भी मेल्ट होंगे और फ्यूज होंगे आपस में। ठीक है, एटम्स आपके इनके जो है जब मैं इनको वेल्ड करूंगा तो ये जो दो वर्क पीसेज होंगे ये खुद मेल्ट होंगे, हल्के से आपस में फ्यूज होंगे फिलर मेटल की विद द हेल्प ऑफ, तो इसका मतलब है कि लिक्विड स्टेट में वो आएंगे, फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई चीज जो होती है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, मेल्ट नहीं करते इसमें जो वो दोनों बेसिकली मेटल्स जो हमने या पीसीज मटेरियल जो भी हमने ज्वाइन करने हैं उसमें वो लिक्विड स्टेट में नहीं आते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ समथिंग लाइक कि हम प्रेशर के थ्रू या कुछ और कि भाई वो इतना हीट अप हो गया है। ठीक है, तो
जैसे मैं आपको बात करूं फ्रिक्शन वेल्डिंग या किसी और वेल्डिंग की, जहां पर हमने किसी मटेरियल का पहले टेम्परेचर वगैरह किसी तरीके से बढ़ा दिया और जो दूसरा पार्ट है उसको हमने फिर प्रेशर से एकदम से ज्वाइन करा। सो वो वहां जहां पर मैंने पहली आपकी डेफिनेशन लिखी थी कि विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर, तो इधर जो है बेसिकली मटेरियल जो है लिक्विड स्टेट में आ जाता है, दोनों मेल्ट करते हैं और फिर हम वेल्डिंग करते हैं। इसमें एज सच कुछ नहीं है, और इसमें क्या है लाइट प्रोसेस में तो आपकी वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी जिसमें जो आपका पेरेंट मेटल जो है मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो कैटेगरी आएगी इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों आएंगी। वो कैसे कि भाई जैसे आपने वो देखी है सोल्डरिंग, हम सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग में क्या करते हैं कि भाई मेरे पास एक बोर्ड है नीचे पीसीबी बोर्ड छोटा सा जो वो होती है उसके ऊपर मेरे को एक मान लो रजिस्टर को डालना है, तो मेरे को उन दोनों चीजों को बेसिकली क्या करना है ज्वाइन करना है। सो मैं क्या करता हूँ अपना एक वो शोल्डर गन लेता हूँ, उसमें वो जो फिलर होता है वो यूज करता हूँ। तो जो मेरा बेस मेटल होता है वो तो रहेगा सॉलिड स्टेट में, वो मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन जो मेरा फिलर मेटल है जो शोल्डर है जिसको मैं वायर बोलता हूँ लेड टिन की या जो भी है, वो जब मैं वो सोल्डरिंग करूंगा, हिंदी में कई बार हम बोलते हैं टंका लगाना, हम बोलते हैं ना कि भाई चल यार ये इसका टंका निकल गया है तो इसको थोड़ा सा वो सोल्डर कर देते हैं, आप खुद भी घर पे कियों ने किया भी होगा। सो उसमें क्या है कि सोल्डरिंग जब मैं कर रहा हूं तो मेरी जो बेस प्लेट है या जो मेरे दो जिनको मटेरियल्स को मैंने ज्वाइन करना है या वो बोर्ड है प्लेट्स या जो रजिस्टर है किसी भी चीज का टंका जो लगाना है, वो आपस वो नहीं मेल्ट करते कभी भी, देखना आपकी वो बोर्ड और वो जो मटेरियल है जिसको आपने ज्वाइन करना वो नहीं मेल्ट करेंगे, आपका जो शोल्डर है वो लिक्विड स्टेट में आके वो मेल्ट करता होता है। तो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं अभी देखते हैं सोल्डरिंग ब्रेजिंग, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। आई होप इसको एक आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। जब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल में, ये मैं आपको भी चार्ट लिखवा रहा हूं, फिर भी मैंने आपको इसकी मोटी मोटी डेफिनेशंस बता दी हैं कि एटलीस्ट इतना तो बता ही दिया है कि आप आपको ये देख के पता चल जाएगा ये क्या है, ठीक है। तो अब इसकी जो कैटेगरी है उसको डिस्कस करते हैं। इफ आई डिस्कस द कैटेगरी ऑफ दिस, तो सबसे पहली जो कैटेगरी इसकी आएगी जिसको मैं स्टार बोलूंगा, इसको मैं बोलते हैं ये पहली कैटेगरी है, इसमें आएगी कोल्ड वेल्डिंग। बस नाम दे दिया कि भाई चलो कोल्ड वेल्डिंग है, अब ऐसा नहीं सोचना कि कोल्ड का मतलब कि क्या है, टेम्परेचर इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा ये है। अब एग्जाम्पल इसका, इसके जो है आप कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हैं, जैसे कि आपकी प्रेशर वेल्डिंग, इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, ठीक है, आई मेक यू राइट विद डिफरेंट कलर, ये कलर विजिबल है, मैं किसी और कलर से लिखूं, ब्लैक से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो साफ साफ आ गया नाम पहला ही कि भैया प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है, आपको दिख ही रहा है मैं बात कर रहा था, मैं वेल्डिंग वर्ड नहीं यूज कर रहा, ठीक है, वो फिर वो हो जाएगा पेज में पूरा नहीं आएगा। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग अभी क्या है हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये सारी इसी की टाइप्स हैं। डिफ्यूजन वेल्डिंग ये जब बाद में डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। एक्सप्लोजन वेल्डिंग ये सारी के सारी कैटेगरी हैं किसकी, कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। चलो आपसे ये तो नहीं पूछेगा कोल्ड वेल्डिंग क्या है, लेकिन वो आपसे ये जरूर पूछ लेगा, जनरली क्वेश्चन आता है, चलो ये भी पता होना चाहिए किसकी कैटेगरी में आती है, कि भाई अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन, एक्सप्लोजन या एक आदि अभी दो और जो मेन कैटेगरी आएंगी वो, उनमें से कौन सी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग नहीं है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड वेल्डिंग प्रोसेस, ए ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ये, ठीक है, ऑप्शन डी इसकी कोई डाल देगा ब्रेजिंग या कुछ कुछ और, तो वो ये टेबल से पता चलेगा वो, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको नाम तो पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो मैं फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात कर रहा था, अगली कैटेगरी जो मेन है ब्लू कलर से लिखता हूं, ठीक है, वो है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब फ्रिक्शन वेल्डिंग जब होनी है, अब उसमें आपको कौन सा कोई मटेरियल को मेल्ट करना है या कोई लिक्विड स्टेट में लेके आना है, लाना ही नहीं, उसमें जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए जो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है कि जहां पर आप किसी भी मटेरियल को जिनको आपने वेल्ड करना है ज्वाइन करना है बेसिकली, उनको जरूरी नहीं है कि आप लिक्विड स्टेट में लेके आओ, उनका कोई और तरीका भी हो सकता है ज्वाइन करने का, प्रेशर के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ये देखो डिफ्यूजन के थ्रू, एक होता क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे किसी और पे लेके आते हो या करंट बेसिकली इतना प्रोवाइड करते हो, एकदम से प्रेशर लगाते हो कि उसके अंदर जाके वो जुड़ जाता है, तो
वहां पर आपने मटेरियल को मेल्ट नहीं किया, कुछ और नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मटेरियल ज्वाइन हो गया, उसकी कैटेगरी ये है, प्रेशर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, डिफ्यूजन, एक्सप्लोजन, फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, अगला एक और भी इसमें आता है जिसको बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। सॉरी, ये क्या हो गया, अगली कैटेगरी। ठीक है, फोर्ज वेल्डिंग, ओके। सो ये तो भैया आपकी होगी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ये मेन हेडिंग्स होगी। ठीक है, और उसके बाद ये फोर्ज वेल्डिंग की हेडिंग होगी, ओके। सो नाउ ओके, सो हेयर इज द कैटेगरी वी आर डन विद, कि भैया ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, और बेसिकली वो ये नाम देगा, देखना, डेफिनेटली वो इसके नाम देगा। ठीक है, कि भाई अल्ट्रासोनिक पूछ लेगा, एक्सप्लोजन पूछ लेगा, फ्रिक्शन, ये वर्ड यूज जरूर करेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, तो सॉलिड वेल्डिंग की ये कैटेगरी है, ये आपको टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी इन ए पोजीशन कि आपको एटलीस्ट ये टेबल पता हो। अब आ जाओ भैया लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इसके भी जो है इसमें दो हैं मेन कैटेगरी अगर मैं बात करूं। ठीक है, ओके। सो इसमें जो पहली कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं, अब ये देखो जो हम लोग जनरली वेल्डिंग देखते हैं या हम लोग जो हमारे नजरों के सामने आती हैं वो इस तरीके की वेल्डिंग होती है कि जहां पर दो मटेरियल्स हैं, हमने क्या कर रखा है, हमने बेसिकली अपना एक दो मटेरियल्स को जब हमने वेल्ड करना है तो हमने एक फिलर मटेरियल ले लिया। ठीक है, या हमने एक दो मटेरियल्स को जब मेल्ड करना है, अपने वेल्ड करना है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रो वेल्डिंग गन है, टॉर्च है जिसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और वो वेल्ड करता आ रहा है। ठीक है, हमने इस तरीके की वेल्डिंग देखी है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, ये हम हमारे आगे आंखों के आगे आती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पहली कैटेगरी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी होती है ये होती है जी केमिकल वेल्डिंग। साथ साथ टेबल बनाते रहो, केमिकल वेल्डिंग। ठीक है, दिस पर्टिकुलर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो नंबर तो आपके यहीं से आ जाएंगे अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, अब आ जाती की बात की भैया, ठीक है जी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है, अब यहां पर बहुत सारे आपके नाम आएंगे, ध्यान देना। सबसे पहली तो भैया इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात करता हूं तो सबसे पहला नाम आता है आर्क वेल्डिंग का, जो हम देखते हैं उसको हम कई बार बोल देते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ये आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आर्क वेल्डिंग। ठीक है जी, अब ये आर्क वेल्डिंग जो है ये मेन कैटेगरी है तो मैं इसको ब्लू कलर से ही लिखता हूं। ठीक है, जस्ट आर्क वेल्डिंग पहली जो कैटेगरी है वो आर्क वेल्डिंग। जैसे यहां पे पहली कैटेगरी थी कोल्ड फ्रिक्शन, फिर ये इसमें जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर पहली कैटेगरी है आर्क वेल्डिंग मेन। अब आर्क वेल्डिंग कई तरीके से हो सकती है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज कर रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं जी। अब वो क्या है, अब यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, उनकी फुल फॉर्म मैं अगले पेज आपको बताऊंगा क्योंकि यहां पूरी नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब जो है जो ब्लैक कलर से मैं ये लिख रहा हूं, ये इसकी सब कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है, इसको बोलते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW। ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी फुल फॉर्म लिख के दिखाऊंगा सभी के। दूसरी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब हमने कोई शील्डिंग प्रोवाइड की हो, ये क्या है ये हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नी नॉट टू वरी अबाउट दैट कि ये क्या चल रहा है, बट आपको अभी नाम पता होने चाहिए। आपने ये नाम सुना होगा मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या इसका दूसरा नाम होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अगली है आपके पास टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग,
ठीक है। अगली आपके पास है समझ आर्क वेल्डिंग, SAW, ये सारी की सारी आर्क वेल्डिंग है। उसके बाद कैटेगरी आती है, ये आर्क वेल्डिंग खत्म होगी, नेक्स्ट कैटेगरी जो है बेसिकली वो आएगी आपकी, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, इफ आई टॉक अबाउट द कैटेगरी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये अनदर कैटेगरी है। आर्क वेल्डिंग में ये सब चीजें थी, ये आर्क वेल्डिंग की है, ठीक है। लेट मी पुट दिस इनटू बॉक्स, दीज आर ऑफ आर्क वेल्डिंग ओनली, ठीक है जी, दीज आर ऑफ कोल्ड वेल्डिंग, इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करूं, यहां पर अब जगह नहीं बची है, बट फिर भी दिख तो रहा है, हाँ ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है कई तरीके की होती है, स्पॉट वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। सीम वेल्डिंग एक तरीके की रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये नाम है सारे लिखो, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम, स्पॉट, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। एक होता है, एक और नाम है इसका, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा मुझे, या मुझे जस्ट अ सेकंड, ओके, ठीक है। अब इसका एक और नाम है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, उसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। और एक होता है जी फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, ठीक है। तो ये सारी की सारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसकी एक और जो थर्ड कैटेगरी है वो भी है, वो अगले पेज पे लिखते हैं, यहां पर आ नहीं रहा पूरा, नीड नॉट टू वरी, ठीक है, ओके। सो ये आपका जो है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग की बात चल रही है यहां पर, जिसको मैं फ्यूजन वेल्डिंग कह रहा हूं, उसमें पहली वेल्डिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी कई तरीके की है, एक है आर्क वेल्डिंग, ठीक है जी। आर्क वेल्डिंग मेन कैटेगरी में, अब आर्क वेल्डिंग किस किस तरीके की हो सकती है, जहां पर सिर्फ आर्क का यूज हो रहा हो, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, फिर उसके बाद अनदर कैटेगरी आती है जहां पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ही है वो भी, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी उसका हम यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग कई तरीके की होती है, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, हाई फ्रिक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, ये सारी की सारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक है। एक कैटेगरी इसमें और है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन वेल्डिंग, इसकी मेन जो ब्लू कलर से लिखनी है, इंडक्शन वेल्डिंग, यहां दिखेगा नहीं, ये तो मैं यहां लिख देता ब्लू कलर से, जस्ट अ मिनट, अगर दिख जाए तो, इसकी मैं कैटेगरी थर्ड यहां लिख देता हूं, बट यहां तो वो लिखूंगा, ओके, आई विल ट्राई टू बेसिकली फिक्स हियर इफ यू आर इन अ पोजिशन टू रीड,
हाँ क्रॉप करके छोटा तो कर दूंगा, फिर वो चीजें थोड़ा सा अजीब सी दिखती हैं, इसलिए मैं उसको क्रॉप करके छोटा नहीं कर रहा है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे सिर्फ इंडक्शन वेल्डिंग है, तो यहाँ पर एक और कैटेगरी है, इंडक्शन। ठीक है, तो ये अब पढ़ लेना इसको, क्योंकि वो पूरा नहीं आ रहा। इंडक्शन वेल्डिंग ये अलग कैटेगरी है। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी है। नाउ अब दोबारा एक बार देख लेते हैं, ये हो गया डन। ये लिक्विड सेट वेल्डिंग के अंदर जिसका हमने नाम दिया फ्यूजन वेल्डिंग, इसकी पहले कैटेगरी थी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है मेन कैटेगरी। उसके बाद ये सारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, चाहे आर्क वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इंडक्शन वेल्डिंग है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ही है। अब आर्क वेल्डिंग की कैटेगरी ये है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की कैटेगरी है, इंडक्शन वेल्डिंग की कोई कैटेगरी एसएस नहीं है। ठीक है, अब आगे गेम आपकी इसके बाद केमिकल वेल्डिंग की। ठीक है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला है। केमिकल वेल्डिंग की जो कैटेगरी है वो ये है। अब जो केमिकल वेल्डिंग की कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर दो नाम है सिर्फ, जो दो वो नाम है वो लिख लेते हैं हम। वो दो नाम है डायरेक्टली, अगर मैं बात करूं मेन कैटेगरी ही है। एक को बोलते हैं गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं यहां ब्रैकेट में, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ये तो आपने सुना ही है, एसिटिलीन। ठीक है, गैस वेल्डिंग। जो अनदर कैटेगरी है मेन, उसको बोलते हैं हम, उसका नाम है थर्मिट वेल्डिंग। जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि भाई हम रेलवे ट्रैक्स वगैरह में या कहीं और ऐसी जगह पर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। सो ये दो हैं इसमें सिर्फ। ठीक है, सो अगर मैं इसमें लाइन ड्रॉ करूं, ये मेन लाइन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आपकी ये एक आ गई आपकी गैस वेल्डिंग इसमें, और एक आ गई आपकी थर्मिट वेल्डिंग। तो ये होगी आपकी दो तरीके की केमिकल वेल्डिंग। ठीक है, तो अब अगर ये बॉक्स था आर्क वेल्डिंग, ये तो पूरा इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का बॉक्स हो गया इधर वाला, ये केमिकल वेल्डिंग का बॉक्स हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब जो है आपका, अगर मैं अलाइड प्रोसेसेस की बात करूं इसमें, ये अगर मैं इसका, जैसे मैंने इसका नाम दिया था, इसको सॉलिड स्टेट बोला है, इसको लिक्विड स्टेट बोला है, इसको बोलते हैं, जैसे ही पहले ही मैंने आपको नाम दिया, इसको बोलते हैं लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट प्रोसेस। इसमें दोनों हैं, स्टेट प्रोसेस। ठीक है, इसको ये बोला जाता है। अब इसकी जो कैटेगरी है, अगर मैं डायरेक्टली इसकी कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, इसमें जो मेन कैटेगरी है कुछ नहीं है, इसमें तीन ही आते हैं, वो तीनों ही लिख देते हैं। सबसे पहले आता है सोल्डरिंग, ये आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया। फिर आता है आपका ब्रेजिंग, सोल्डर करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, और एक इसमें आता है आपका एडहेसिव बॉन्डिंग शायद। हाँ, एडहेसिव बॉन्डिंग। एडहेसिव बॉन्डिंग, सो दीज आर बेसिकली
द मेन थ्री कैटेगरीज विच आई वॉन्ट यू टू बेसिकली अंडरस्टैंड. एक सोल्डरिंग होगी, एक आपकी ब्रेजिंग होगी, एक आपकी एडहेसिव बॉन्डिंग होगी. ठीक है, अब ये आपका एक जो टेबल बन गया पूरा का पूरा, हाँ जो है धीरज, अगर मैं आपको बात करूं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर जो मिग है जिसको आपने नाम दिया है, इसका नाम तो आता है कि सर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो आपने इसको जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बीच में क्यों डाला, आर्क वेल्डिंग के बीच में क्यों डाला, गैस वेल्डिंग के बीच में क्यों नहीं डाला? इसका कारण है भाई साहब, इसका कारण यह है, इसका दूसरा नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग. पहली बात तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग. अब दूसरे नाम में मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं बेसिकली, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ इनर्ट गैसेस डलती हैं. ठीक है, इनर्ट गैसेस जैसे क्या क्या होती है, इनर्ट गैसेस या इनर्ट गैसेस का क्या फंक्शन होता है हम बाद में बताएंगे. ये शील्डिंग प्रोवाइड करती होती है. ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन जो इसमें जो नाम यूज हुआ है गैस वेल्डिंग, वो इसलिए है क्योंकि इसका नाम है देखो मेटल इनर्ट गैस. अभी मैं इसकी फुल फॉर्म लिखवाता हूँ, ये जो तीन चार मैंने ऐसे लिखवाए हैं, या इधर तो कोई ऐसा नहीं है, यही है, ये तीन चार की मैं फुल फॉर्म लिखवाता हूँ. और तो यहां पर जो है बेसिकली जो नाम दिया है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो हाँ जैसे आप नियॉन लिख रहे हैं, कोई और गैस है, हीलियम गैस है, कोई और है, तो इसमें इनर्ट गैसेस का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम वो वैसे दिया गया. अदरवाइज ये आर्क वेल्डिंग ही है, इसलिए इसका दूसरा नाम. ये स्पेशली कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यार, जैसे आपने पूछ लिया कि सर ये तुम मिग बोल रहे हो यार, ये तो तुम कह रहे हो कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और दूसरा जब मैंने आपसे इसका नाम पूछा, आप कह रहे हो सर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, तो ये आर्क वेल्डिंग है या गैस वेल्डिंग है? और अगर आर्क वेल्डिंग है तो इसको नाम गैस वेल्डिंग क्यों दिया गया? तो यही इसका प्रोसेस है कि इसके अंदर जो है हम इनर्ट गैसेस वगैरह यूज करते हैं. ठीक है, मेटल इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस यूज करते हैं. ठीक है, और दूसरा नाम है इसका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग. हम डिस्कस करेंगे आराम से कि क्या है, कौन सी इनर्ट गैसेस यूज करते हैं, इनर्ट गैसेस का क्या फंक्शन है. ठीक है, ये दैट आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ थिंग. ठीक है, इसमें कोई ठीक है. अब जो है एक तो मैं आपको जो है वो करा देता हूं, इसकी फुल फॉर्म लिखवा देता हूं इनकी, इन चारों की, SMAW, MIG, TIG, SAW और प्लस जो कुछ स्पेशल जो हैं आपकी अदर वेल्डिंग प्रोसेस हैं, जैसे कुछ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस थी उसको मैं अलग से लिखवाता था, वैसे ही कुछ स्पेशल जो है. सोल्डरिंग के नीचे क्या लिखा है यार, ये वर्ड नहीं सुना आपने, ब्रेजिंग, VRAZING, ब्रेजिंग आएगा, ब्रेजिंग क्या होता है, आएगा. सोल्डर जैसे सोल्डरिंग होते हैं वैसे ब्रेजिंग होती है, दो इसका वो फर्क होता है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट का फर्क होता है, और उसमें जो मटेरियल्स आपने वो करने हैं, कौन कौन से मटेरियल सोल्डर कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, उनका डिफरेंस है. टर्म है, ये नाम है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है. ठीक है, आएगा जब सोल्डिंग ब्रेजिंग करेंगे तब हम बताएंगे आपको क्या होता है. ठीक है, नी नॉट टू वरी. सो अब नेक्स्ट, इस चार्ट को ना भाई साहब रट लो, है ना, खा जाओ इस चार्ट को, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आ गया ना तो वो एक नंबर का क्वेश्चन, और अगर नहीं करके आया ना तो पछताओगे कि भैया यार एक नंबर क्यों चला गया. एक एक नंबर की वैल्यू होती है. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, जो बंदा पास नहीं हो रहा होता या एक दो नंबर से रहता है उसको दिक्कत आती है कि यार मैं एक दो MCQ और ही अच्छे कर जाता. तो ऐसी जगह पे जहां पर आपको हेल्पफुल मिलती है तो उसका फायदा लो ना, और सीधा पूछ लेगा इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. ठीक है, तो अब मैं पहले आपको एक तो इनकी वो लिखवा देता हूं फुल फॉर्म. SMAW को क्या कहते हैं? ठीक है, SMAW को कहते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग. ठीक है जी, एक हो गया. अनदर क्या था? MIG.
इसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग या फिर और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, GMAW। उसके बाद क्या है आपका टिग, TIG, टिग। सो व्हाट डस टिग मींस, टिग का मतलब ये है कि भाई इसमें जो नाम है इसका टंगस्टन, टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो टंगस्टन का यूज होता है, वो बाद में देखेंगे। और जो लास्ट थी वो थी आपकी दैट वॉज योर SAW। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसको क्यों नाम दिया जाता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये भी बताऊंगा, क्योंकि जो आर्क बनती है दैट इज सबमर्ज्ड अंडर द पूल ऑफ फ्लक्स, बाद में बात करेंगे। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो आर्क बनती है ना वो नीचे होती है, सबमर्ज्ड होती है, डूबी हुई होती है, कहां पे, फ्लक्स के नीचे, डिस्कस करेंगे बाद में। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ओके फाइन। गैस मेटल, गैस इनर्ट गैस वेल्डिंग, ओके। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ओके। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ओके। ठीक है जी, अब कुछ और वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं जो मैं यहां पर हल्की सी एक दो लिख देता हूं, सो दैट कि आपको वो आइडिया मिल जाऊंगा वो क्या है। अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस, ठीक है। अब ये देखो, ये सारा का सारा चार्ट बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं और बोल रहा हूं, ठीक है। सो सबसे पहली जो अदर वेल्डिंग में आती है कैटेगरी, अगर मैं बात करूं जो इसका नाम है वो है ESW। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ठीक है जी, उसके बाद होती है नंबर टू है LBW, लेजर बीम वेल्डिंग। अब आप खुद सोचो, जहां पर लेजर की बीम आ रही हो इतनी तगड़ी मशीन से और वो वेल्डिंग कर रही हो, तो वो वेल्डिंग कहां इतनी, ये सारी जो है स्पेशल प्रोसेसेस में काउंट होती हैं, ठीक है। जैसे आप कास्टिंग देखते थे कि भाई सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग है या डाई कास्टिंग है, प्रेशर हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग है, कोई और है, वो स्पेशल कास्टिंग का प्रोसेस है। उससे जो सरफेस फिनिश वगैरह आती थी वो अच्छी आती थी, और उनका जो सिस्टम लगे होते थे बड़े दूसरे सिस्टम होते हैं, तो वो स्पेशल वेल्डिंग में। ऐसे ही है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग भी होती है, या लेजर बीम वेल्डिंग, और भी बहुत सारी है, सिर्फ आपके दो चार लिखवा रहा हूं, ठीक है। और एक एक को बोलो EBW, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन। अब एक में इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, एक में लेजर की बीम आ रही है, तो वो वेल्डिंग खुद सोचो कि कितनी जबरदस्त होगी, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग।
सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल, मैं अभी सिर्फ तीन ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं, जैसे जैसे आगे और यूज होते रहेंगे हम, मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेजर बीम वेल्डिंग या इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी वेल्डिंग ही है, ठीक है। ठीक है, सो ये आपका जो है हाँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि कंफ्यूजिंग है, हाँ मैं आपको सही बताऊं, जैसे आप लिख रहे हैं, धीरे से लिख रहे हैं कि सर हमने लेजर बीम मशीनिंग पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग पढ़ा, ये बिल्कुल सही बात है, ये मशीनिंग के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये वेल्डिंग भी है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ठीक है, ये अभी जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। सो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज विद द मशीनिंग पार्ट, उसमें जो है अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेजर बीम वेल्डिंग है या मशीनिंग है, तो आपके जो वो वाले पार्ट हैं जिसमें आप मशीनिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है मटेरियल आपका रिमूव हो रहा है, किसी में लेजर की बीम आ रही है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, किसी में जो है आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, हो वहां पर मटेरियल रिमूव ही रहा है, क्योंकि वो मशीनिंग के प्रोसेस आगे ना, इसमें यहां पर जो है आपके नाम सिमिलर से हैं, लेजर बीम इलेक्ट्रॉन बीम, लेकिन वो वेल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्लैग, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज ऑल दोस प्रोसेसेस विद दैट प्रोसेस, सो ऐसा नहीं है, ये आपकी वेल्डिंग प्रोसेस ही है और ये स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है। सो एक बारी मैं आपको एक बारी ओवरव्यू दिखा दूं कि हमने क्या किया इसमें, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये हमने प्रोसेस पढ़े थे कि ज्वाइनिंग प्रोसेस, अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई हमने अगर वेल्डिंग करनी है या हमने कोई चीज को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस किस किस तरीके से हो सकते हैं, एक तो मैकेनिकल बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, मैकेनिकल बॉन्डिंग में आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि नट बोल्ट ज्वाइंट को मैं मैकेनिकली बोलता हूँ, रिविटेड ज्वाइंट को बोलता हूँ, स्टेपल्स को बोलता हूँ, उसमें से कुछ टेम्परेरी ज्वाइंट होते हैं, कुछ परमानेंट ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ हमारी वेल्डिंग की, वो हमेशा ही परमानेंट ज्वाइंट है, और एटॉमिक बॉन्डिंग आती है जब कोई भी दो मटेरियल आपस में मेल्ट वेल्ड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अगर वो वेल्डिंग के तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं तो वो आपस में एटॉमिक लेवल पे आके जुड़ेंगे, उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, इसी तरीके से वो जो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो एटॉमिक, उसमें जो बॉन्ड्स है वो एटम से रिलेटेड की बात होती है, यहाँ मैकेनिकल बॉन्डिंग की। फिर हमने देखा कि भी एटॉमिक बॉन्डिंग के अंदर जो मैं वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ वो तीन तरीके की मेन है ज्वाइनिंग है, एक को मैं बोलता हूँ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, एक को मैं नाम देता हूँ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, एक एक का नाम है अलाइड प्रोसेसेस, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या है कि भैया यहाँ पर जो है मेरा जो जो पार्ट्स जिनको मैंने वेल्ड करना है वो मेरे लिक्विड स्टेट में नहीं आते, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और समथिंग लाइक दैट हम उनको जो है ज्वाइन करते हैं। उसकी कुछ कैटेगरीज हमने देखी कि भाई कोल्ड वेल्डिंग में जैसे मान लो डिफ्यूजन आ गई, एक्सप्लोजन आ गई, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आ गई, ठीक है, फिर कुछ वेल्डिंग होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है, फिर होगी फोर्ज वेल्डिंग, ये सारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है जहां पर जो है मटेरियल लिक्विड स्टेट में नहीं आता। अब अगली वेल्डिंग हमने देखी कि जहां पर मटेरियल कई जगह जो है लिक्विड स्टेट में भी आ जाता है, लिक्विड स्टेट का मतलब फ्यूजन वेल्डिंग, जब दो मटेरियल आपस में मेल्ट कर रहे हैं तो वो खुद भी मेल्ट करेंगे और बीच में वो फ्लो होगा तब जाके वो जुड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हो सकता है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से हो सकता है वो केमिकल वेल्डिंग से हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जहां पर हम बात करते हैं वो तीन कैटेगरी है, आर्क वेल्डिंग कह लो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कह लो या इंडक्शन वेल्डिंग कह लो। आर्क वेल्डिंग में हमने क्या देखा, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, फिर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हमने तीन चार कैटेगरी देखी, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये HFRW की भी फुल फॉर्म लिख लेना, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फिर फ्लैश बट वेल्डिंग, उसके बाद होगा इंडक्शन वेल्डिंग। अब केमिकल वेल्डिंग है जहां पर वो केमिकल तरीके से अगर मैं वेल्डिंग कर रहा हूं उसमें क्या है, एक मेरी गैस वेल्डिंग है, एक मेरी है जी थर्मिट वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक है। अभी इसमें ऑक्सी एसिटिलीन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर जो गैसेज यूज हो रही है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है, ठीक है।
अब ये सारा प्रोसेस ही अलग है गैस वेल्डिंग का, वो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको ऑक्सीएसेटिलीन गैस वेल्डिंग क्यों बोला जाता है। ऑक्सीजन और एसेटिलीन की कुछ परसेंटेज होती है, कुछ मात्रा होती है, कुछ रेशो होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ऑक्सीएसेटिलीन गैस वेल्डिंग। दूसरी वेल्डिंग आपको बात करी थर्मिट वेल्डिंग, टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, एक थर्मिट पाउडर होता है बेसिकली, उसमें हम ये डिस्कस करते हैं, डालते हैं, ये जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका एलाइड प्रोसेस, इसमें जो आपका जो है जो मटेरियल है वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में रहेगा। अब जैसे मैं बात करूं सोल्डरिंग का, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे को जो प्लेट, जो पीवीसी की जो बोर्ड है या किसी भी चीज का मेरे को बोर्ड है, उसके ऊपर मेरे को रजिस्टर को ज्वाइन करना है, तो मैं अपना सोल्डर जो गन होती है उसको हीट करता हूं और फिलर लेके आता हूं और वो देखो आराम से टांका लगा रहा हूं, तो वो मेल्ट हो रहा है, वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, और जो मेन आपके जो पेरेंट मेटल है, जो दो मेन है वर्क पीस जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो, वो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग में भी यही है। अब एडहेसिव बॉन्डिंग, ये क्या है, जैसे मान लो आपने एडहेसिव बॉन्डिंग में भी लिक्विड और सॉलिड स्टेट, कैसे समझाता हूं मैं आपको कि भाई आपने मान लो दो बोर्ड है लकड़ी के, फेविकोल से जोड़ लगाना है, ठीक है, यू वॉन्ट टू बेसिकली ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टू मटीरियल विद द हेल्प ऑफ फेविकोल ओनली, ठीक है। सो वो जो दो आपके बोर्ड हैं या कुछ और हैं, वो तो वैसे ही सॉलिड स्टेट में रहेंगे, वो थोड़ी मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका फेविकोल है, जो आपका एडहेसिव आप यूज कर रहे हो, फेविकोल या कोई भी और चीज, वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में बेसिकली फ्लो करता है या बेसिकली उससे ज्वाइन होते हैं, जो जोड़ लगता है, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग एडहेसिव, मतलब जो चीज आपको एडहेसिव यानी कि बॉन्ड बना के रखे, जो ज्वाइन करे, ठीक है, तो वो आपका वहां पर एडहेशन जो हो रहा है या जो बेसिकली मटेरियल ज्वाइन हो रहा है, वो आपके जो आपका फेविकोल है या कोई और एडहेसिव मटेरियल है, वो लिक्विड स्टेट में है, जो आपके दो बोर्ड्स हैं या कोई सॉलिड चीजें हैं वो नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। हाँ, बोर्ड के ऊपर अगर आप वो अप्लाई लगाते हैं या सनमाइका लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है, एडहेसिव बॉन्डिंग है, ठीक है। So, आपको इन सब चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या वेल्डिंग है, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। अब इतनी मेहनत करी, इतनी देर लगाई, घंटा लगाया और एक नंबर आया, तो आप सोचो कि भाई एक नंबर की कितनी अहमियत है, आप समझ रहे। सो यू नीड टू पुट एफर्ट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स, अदरवाइज ऐसे नहीं बात बनेगी। सो ये हमने डिस्कस करा शेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये हमने डिस्कस करा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, और यहाँ पर हमने कुछ और वेल्डिंग प्रोसेसेस देख ली, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये सब चीजें हमने जो है डिस्कस कर ली है आपसे, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल पिक्चर थी वेल्डिंग की, जिसमें क्लासिफिकेशन आई थी ज्वाइनिंग प्रोसेसेस की, वेल्डिंग के बारे में हमने अभी तक क्या देखा है कि वेल्डिंग क्या होती है, डेफिनेशन देखी है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे हैं, कुछ पॉइंट्स देखे हैं, क्लासिफिकेशन देखी है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हाफ में आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड 12:40 पे हम मिलते हैं, एंड इन नेक्स्ट बेसिकली क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू बेसिकली लर्न या डिस्कस द प्रिंसिपल, एक तो थोड़ा सा प्रिंसिपल देखेंगे आर्क वेल्डिंग का कि कैसे होता है, और उसके से रिलेटेड टर्म्स हैं कुछ, आराम से डिस्कस करेंगे, तो और डायग्राम भी बनाएंगे, लिखेंगे भी सही आज, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हाफ में, ओके 12:40 पे मिलते हैं।